तो अंगिका फिल्म शराब माफिया एक सामाजिक और नशा उन्मूलन फिल्म है। फिल्म के निर्माता व लेखक भोला कुमार, बागवानी निदेशक संजीत कुमार और संगम है। तो फिल्म से संबंधित मीडिया कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें बताया गया कि यह फिल्म मुख्य रूप से शराब के खिलाफ है। किस प्रकार से आज के युवा इसमें संलिप्त हो जाते हैं और अंत में दुष्परिणाम होते हैं, इस मौके पर कई प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद रहे। तो त्रिपुरारी के शब्दों में, यह फिल्म अंगिका भाषा के लिए समर्पित है और नशा उन्मूलन फिल्म है। वहीं जितेंद्र कुमार जीतू के शब्दों में, शराब पूर्ण रूप से बंद हो और अंगिका भाषा प्रत्येक क्षेत्र में अपना जगह बनाए। इस फिल्म का शूटिंग बरियारपुर, भागलपुर, कोलकाता और झारखंड में किया गया है। जना की नौगछिया से बतलिए चंद्रकांत बाबू, मुकेश जी आरो इनको पूरा टीम, एक एक ठो इन्हो इन्हो कलाकार छे। एक अभिनय लास्ट में करले छे, वो दारूबाज के लाठी लेकर सब मिली के दौड़ी डंगायल गेलो छे। लेकिन हुनको अभिनय जे एगो बूढ़ा रंग आदमी रे, की नाम है उपेंद्र बाबू, इतना सुंदर हुनको आवाज में तड़प जे छले, जे आक्रोश आरो तड़प दोनों। देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि फिल्म हम लोगों ने जिस हिसाब से मेहनत किया है, उस हिसाब से सफलता जरूर मिल रही है। और जितने भी मैंने कमेंट पढ़ा है, और कहते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा आता है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ तक है पॉजिटिव ही कमेंट है और काफ़ी फिल्मों को लोगों ने पसंद किया है। मैंने अपने गांव में भी चलाया फिल्म पर्दे पर, और मैंने सबसे पूछा नेगेटिव पॉजिटिव का, तो बहुत लोगों का पॉजिटिव कमेंट आया, नेगेटिव कमेंट आया। और भी नुकसान है शराब पीने से लोगों को? नुकसान तो होगा, अनुभव तो हम लोग भी स्टेट लेवल पे भी काम करना चाहिए ना इस पे। तो अंगिका भाषा में हमारी फिल्म है, अंगिका भाषा को बिहार में ही अभी पूर्ण रूप से लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जगह आप अगर भेजना चाहते हैं, वहां जाऊंगा तो मेरी क्या हाल दशा। आप अंगिका पे काम कर रहे हैं या शराबबंदी पे काम कर रहे हैं? दोनों पर। सर्वप्रथम मैंने इसके पहले हथपकड़ा बनाया है, वह सोच अंगिका ही थी।